सो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सब। तो यार, आप में से मुझे बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इस तरह की बिफोर एंड आफ्टर वाली वीडियो कैसे एडिट करते हो। तो यार, यही चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। मैं इसे किस ऐप से वीडियो एडिट करता हूँ आपको पूरा बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट है ओनली 50 लाइक्स। अगर आप 50 लाइक करा दोगे तो मैं कल ही एक बवाल वाली एडिटिंग आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। ओके गाइस, इसमें सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ प्लस वाले आइकन को प्रेस करेंगे। देन यहाँ आपको एक फोटो ऐड कर लेना, मतलब अपना एडिट वाली जो फोटो है उसे ऐड नहीं करना है। सबसे पहले आपको ओरिजिनल फोटो को ही ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड फोटो को ऑप्शन देखने मिलेगा, उसे आपको प्रेस करना है। तो अब आपको अपना एक एडिट वाली फोटो को ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पास मैंने करा, ताकि हम यहाँ बिफोर एंड आफ्टर वाली वीडियो एडिट कर सके। और इसमें आपको सिंपली से फुल स्क्रीन पे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पास इरेजर को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको इन्वर्ट का आइकॉन देखने को मिलेगा, उसे आपको प्रेस करके इस सेव वाली ऑप्शन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं इसे हार्डनेस को पूरा फुल कर लेता हूँ। और इसमें आपको अच्छे से पहले सेट कर लेना है, मतलब फुल स्क्रीन पे रख लेना है। उसके बाद इसे आपको ऐसे करके ड्रैग करना है एंड इसे आपको सिंपली ऊपर करना है। और इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर देना, मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते जाना है। और आपको इसे पकड़ के ऐसे नीचे करते जाना है। तो अब बात रही वीडियो कैसे बनेगी, मतलब कि वीडियो आपकी कैसे रिकॉर्ड होगी, तो आपको सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है। तो इसमें एक दिक्कत हो रही है गाइस, कि जो हमारी डॉट है, मतलब कि जो हमारी वाइट डॉट है, वो भी शो हो रही है। तो उसे आपको हाइड करने के लिए सिंपली आपको स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे शो टच गैजेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे आपको ऑफ कर देना है, जिससे व्हाइट वाली डॉट वो नहीं आएगी। बाकी इसमें आपको धीरे धीरे करके इस तरह से करना है और हो जाने के बाद सिंपली आपको वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज, मतलब कि स्टॉप कर देना है। फाइनली हमारी वीडियो तो बन गई। अब इसे एडिट कैसे करना है, तो सिंपली आपको VN ऐप को ओपन करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना इस ऐप को। बहुत ही आसानी से एडिट हो जाती है इस वाली ऐप से। तो ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली आपको प्लस वाले आइकन को प्रेस करके न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है एंड यहाँ से आपको वीडियो को ऐड कर लेना है। अभी जो हमने स्क्रीन रिकॉर्ड करा था उसे आपको ओपन करके यहाँ अप्लाई कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रॉप को प्रेस करेंगे एंड यहाँ से सिंपली क्रॉप करेंगे। जो बटन्स दिख रहे हैं वो हट जानी चाहिए, तो इस तरह से मैं क्रॉप कर दूंगा एंड इसे यहाँ से डन कर दूंगा। एंड अब आपको क्या करना है, सिंपली यानी कि क्रॉप करने के बाद आपको सिंपली इस म्यूजिक वाले आइकन को प्रेस करना है। यहाँ पे आप अपना कोई सा भी सॉन्ग डाल सकते हो, जो आपको डालना है वो डाल सकते हो सिंपली म्यूजिक वाले आइकन को प्रेस करके। यहाँ पे मैंने ये वाली म्यूजिक को डाला है, तो इस तरह से आपको म्यूजिक भी ऐड कर लेना है। एंड साथ ही अगर वीडियो के आगे या पीछे बिना मतलब की क्लिप है, उसे आपको स्प्लिट करके हटा देना, जैसे कि यहाँ पर मैंने करा, जिससे जो फालतू वीडियो का टाइम है वो बड़ा मत हो, छोटा सा ही रहो, ताकि आपकी वीडियो की स्टार्टिंग ठीक से हो एंड एंडिंग भी बढ़िया से हो। और हाँ, जो म्यूज़िक हमारी है वो डायरेक्ट बंद हो जा रही है, मतलब कि ख़त्म हो रही है, तो डायरेक्ट हो रही है, उसे आपको धीरे धीरे करना है। तो सिंपली आपको यहाँ म्यूज़िक के ऑप्शन पे जाके फेड आउट को इंक्रीज़ कर देना है। इतना करने के बाद हमारा म्यूज़िक है वो साउंड धीरे धीरे होती जाएगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगेगी। एंड साथ ही गाइस, जो हमारी वीडियो है वो डायरेक्ट ख़त्म हो रही है, तो उसे भी आपको इफेक्ट डालना है। तो यहाँ सिंपली प्लस आइकन को प्रेस करके ब्लैक वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, जिससे वीडियो वाइज म्यूज़िक के साथ धीरे धीरे ख़त्म होगी। ये बहुत ही अमेजिंग लगेगी, आप यहाँ देख सकते हो। तो हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। यहाँ सिंपली एक्सपोर्ट को प्रेस करके इस तरह सेटिंग कर सकते हो मेरी तरह एंड इसे सेव कर सकते हो, मतलब कि एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हो। बस गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही थी। तो लाइक्स की हमारी टारगेट है 50, तो जल्दी से कर देना ताकि मैं कल न्यू वाली एडिटिंग लेके आऊँ। बाकी गाइस, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि यार ऐसे ही अमेजिंग एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।